सो दिस इज आर कैप्टन अमेरिका, ये माई ओन कैप्टन अमेरिका। एक ये पैकेट है। अभी हम आए हैं हॉस्पिटल। हाउ इज द जोश? है सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज है वीक डे, लेकिन बिल्कुल वीकेंड जैसा है, क्योंकि अभी 8:30 हो रहे हैं। अभी हमने जस्ट अपनी चाय फिनिश करी है, मेरी हमारी चाय की कप। एक्चुअली आज अनन्या को स्कूल नहीं भेजा, और रात से ही उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। और सुभाष भी आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लैपटॉप काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा है, तो उसको ठीक करवाने के लिए हमने कंप्लेंट रेज करी थी। तो उसका टेक्नीशियन भी आज ही आ रहा है, तो मैं हॉस्पिटल में रहूँगी, तो पीछे सुभाष करवा लेंगे उसको ठीक। और आज अनन्या का एक इम्पॉर्टेंट डे भी है, क्योंकि आज शाम को है उसका डांस फंक्शन। एक्चुअली वो हमारे सोसाइटी में जहाँ पे डांस सीखती है, जिन सर के पास डांस सीखती है, जनरली जो आजकल डांस क्लासेस होते हैं वो साल में एक बार एक एनुअल फंक्शन जैसा कुछ तो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज है वो अनन्या का, शाम को है, तो उसके लिए भी जाना है। तो आज बड़ा हेक्टिक डे होने वाला है। तो दिन की शुरुआत कर ली हमने चाय के साथ, एनर्जी आ गई है। अब चालू करते हैं आज का दिन। अनन्या जब तक सो रही है, फटाफट मैं थोड़ा घर वर साफ़ कर लूँ, समेट लूँ, फिर उसको रेडी करके नाश्ता करवा के फिर हॉस्पिटल जाना है हमको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। दिखाओ जरा कैप्टन अमेरिका क्यों है भाई। सो दिस इज आर कैप्टन अमेरिका, ये माय ओन कैप्टन अमेरिका। बेड ऑलमोस्ट डन है, सुभाष फाइनल लगा रहे हैं। अब इधर पीछे देखिए क्या है, सबसे डेंजरस चीज कपड़ों का पाइल अप। कपड़े धोने के बाद ना सबसे खतरनाक यही लगता है, ये जो एक माउंटेन बनता है ना घर में, वैसे ही जनरली सुभाष ही करते हैं। आज देखते हैं उनका टाइम होता है कि नहीं होता है, वरना मुझे करना पड़ेगा। सुबह के एक बड़े काम में से एक काम है ये। एक्चुअली मैं सामान बीबी डेली से मंगाती हूँ, अपना सब्जी वगैरह ज़्यादातर बीबी डेली से मंगाती हूँ। बाकी यहाँ पे एक किराने की शॉप है नीचे, एक वहाँ से लेके आती हूँ मैं। तो ये मंगाए हैं मैंने आज सब्जियाँ। तो ये काम है मॉर्निंग में, सब्जियाँ उठाओ, निकालो, धो। एक्चुअली मेरे पास एक ऑर्गेनाइजर है, सुभाष को लास्ट ईयर दिवाली के गिफ्ट में मिला था उनके ऑफिस से। तो सुबह जनरली मैं सारे सब्जियां वॉश करके उसी में डाल देती हूँ, धो के फिर मैं फ्रिज में सामान डालती हूँ। तो फिर जब खाना बनाना हो या फिर जब जल्दी में हो तो वॉश का टाइम जो है पूरा बच जाता है। दिखाती हूँ आपको सब्जियाँ मेरी क्या क्या है आज। खीरे, टमाटर, सब्जियाँ बहुत अच्छी आती हैं बीबी डेली की, जो सब्जियाँ आती हैं बहुत अच्छी आती है। देखिए बीन्स वगैरह देखिए कितने फ्रेश हैं। अब इनको सबको वॉश करनी है। ब्रोकली, ये है मटर, तो ये है मेरी सब्जियां आज की। सब्जियों को एक्चुअली एक बार वॉश कर लेती हूँ मैं, वॉश करके फिर ओजोनाइजर में लगा देती हूँ 10 मिनट्स के लिए। ज़्यादा सब्जियाँ हो तो 15 या 20 मिनट्स के लिए ऐसे इसमें पानी डाल के भर के
मैं दिखाती हूँ आपको उसको कैसे यूज़ करती हूँ मैं। ये है मेरा ओजनाइजर, प्रेस्टीज का है ये। लास्ट ईयर एक्चुअली सुभाष को दिवाली में मिला था, दिवाली गिफ्ट। तो इसको हम यहाँ पे इसके रहते हैं वायर, ये छोटा सा जो स्टोन है यही है इसका सबसे मेन। इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे, सब्जी में पानी डाला हुआ है मैंने यहाँ पे भर के, और इसको डाल दूंगी यहाँ पे। कैप्सिकम जाते ही नहीं अंदर। अब मैं इसको कर देती हूँ ऑन, और यह टाइमर आपको कितने देर के लिए रखना है। तो मैं इसको करती हूँ 15 मिनट्स। सब्जियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, और देखिए यहाँ पे ऐसा तो मैं ऐसे ही वॉश करती हूँ सब्जियाँ, सुबह वॉश करके रख देती हूँ सब्जियाँ। चलो जब तक ये सब्जियाँ वॉश होती हैं और मैं नाश्ता चढ़ाती हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर किया था और वो सामान आ गया है मेरे किचन के लिए। दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरे दो सामान, दिखाती हूँ। एक ये पैकेट है, तो ओपन करके सबको दिखाती हूँ मैं। एक ये है, ये देखिए सब उल्टा दिखता है कैमरे में। एक्चुअली मेरे किचन में ना थोड़े जार्स कम पड़ रहे थे, और जो मेरे प्लास्टिक के जो जार्स हैं मैं कोशिश कर रही हूँ उनको निकालने की, तो उसकी जगह मैंने मंगाया है ये। ये है शीशे के जार्स, ये मुझे बहुत सुंदर लगे, कांच के हैं ये, और ये वुडन उसका लिड है। ये देखिए ऐसे आता है ये, बहुत सुंदर है। इसको किचन के काउंटर पर रख दो ना ओपन में, तो बहुत सुंदर लगेगा। तो ये है मेरा 6 का, ये 6 का पैकेट है, ऐसे 6। और इनको रखने के लिए है जो दूसरा चीज है वो है ये देखिए, ये ऐसा है कुछ दिखाते मत रखे थे, ऐसा स्टैंड है ये। एक्चुअली ये माइक्रोवेव के ऊपर भी रख सकते हो आप, उसी का है, लेकिन मैंने सोचा इसको कि दो पार्ट्स में, एक नीचे का एक ऊपर का। ये देखिए ऐसा, और इन दोनों को आप अलग अलग भी लगा सकते हो। तो मैं सोचा दोनों को अलग करके एक स्टैकिंग के लिए इजी हो जाएगा। किचन में कितनी भी जगह हो ना, इससे पहले हम जहाँ पे थे वहाँ पे जो हमारा किचन था वहाँ पे इतने सारे ड्रॉर्स वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं थे, तो जब यहाँ पे आए तो मुझे लगा वाओ बहुत स्टोरेज की जगह है। अब यहाँ पे भी कंपनी लगी है जगह, और मुझे काउंटर टॉप्स पे थोड़ा जो सामान इजीली यूज में होता है, थोड़ा जैसे कोई ड्राई फ्रूट्स अंदर रखे रहते हैं तो खाने को होता नहीं है, तो सामने रहते हैं दिखते हैं तो आप उठा के खाते भी हो उसको, तो मैं सोचा अभी इनको जो कंटेनर्स है उनको उसी के लिए यूज़ करूँ, और ये रैक्स पे रखूँगी तो थोड़ा सामने ईजी रहेगा। आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला ओट्स, उसके लिए मैंने चॉप किए हैं अनियंस, ये है बीन्स, गाजर, टमाटर, और ये है ब्रोकली, और ये है शिमला मिर्च। एक्चुअली इसमें आप जो सब्जी चाहे कुछ भी सब्जियां डाल सकते हो, कुछ मिस कर सकते हो इसमें से, कुछ डाल सकते हो एक्स्ट्रा अपने हिसाब से। तो इन सब्जियों को मैं अभी फ्राई कर लूँगी सबको, पहले अनियन जैसे नॉर्मल सब्जियां फ्राई करते हैं फ्राई कर लूँगी, जब ये सारी सब्जियां फ्राई हो जाएंगी फिर मैं उसमें डालूंगी ओट्स और उसको हिला लूँगी, और फिर पानी डाल के फिर रेडी। जल्दी बन जाता है और बहुत न्यूट्रिशियस और हेल्दी होता है, एज अ ब्रेकफास्ट ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो सारी सब्जियां मैंने एक एक करके सब पहले प्याज डाल के फिर बाकी सब्जियां डाल के इसको पूरा फ्राई कर लिया है, हमारा ये पूरा फ्राई हो गया है। इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है और धनिया पाउडर, मसाले में सिर्फ धनिया पाउडर डाला है। अभी सब्जी फ्राई होने के बाद मैं इसमें डालूंगी अपने हिसाब से ओट्स, इसको थोड़ा हिला के हम रोस्ट कर लेंगे इसके साथ। तो मेरा ओट्स भी अभी हो गया है फ्राई, अभी मैं इसमें डालूंगी पानी, एक उबाल आने देंगे इस पे, फिर हम उसको अच्छे से ढक देंगे। अभी ये उसका पानी उबलने लगा है तो अभी इसको गैस कम करके इसको ढक देंगे। अभी मेरे
मेरे ओट्स बन चुके हैं, मैंने थोड़ा अनियन के लिए निकाल दिया बिना मिर्ची के। अब मैं डालूंगी एंड में थोड़ा मिर्ची, उसको 5 मिनट के लिए हिला दूंगी और एंड में डालूंगी गार्निशिंग के लिए बहुत सारा धनिया पत्ता। तो मेरा ये ओट्स इज डन रेडी। तो मैं नाश्ता बन गया, अभी अन्या को उठाती हूँ थोड़ा। सुभाष, ओहो सुभाष को लगता है टाइम मिल गया है। सुभाष कर रहे हैं दुनिया का सबसे बोरिंग काम। इंटरेस्टिंग फॉर मी। इंटरेस्टिंग क्या? इंटरेस्टिंग लगता है वो, देखो कैप्टन अमेरिका ने एक और कैप्टन अमेरिका पकड़ लिया है, ये कैप्टन अमेरिका के फैन। वैसे ये टी शर्ट्स मैंने ही खरीदे थे। आखिर सुभाष बहुत हेल्प करते हैं मेरी, सबसे बड़ी हेल्प यही होती है कि कपड़े फोल्ड करते हैं। कपड़े फोल्ड करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आई थिंक किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो सुभाष बिल्कुल अल्टी पल्टी मार के बैठ के सारे कपड़े इतने छोटे 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 फोल्ड कर देते हैं, ये पता ही नहीं लगता है कि कौन सी अनन्या की टी शर्ट है कौन सी मेरी टी शर्ट है। सब छोटे छोटे इतने इतने से फोल्ड हो जाते हैं सब। वर्क इन प्रोग्रेस। सुभाष आओगे नहीं नाश्ते के लिए जब तक होगा नहीं? नहीं, लेट हो जाएगा यार। ये रहे छोटे 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 इतने छोटे छोटे कपड़े फोल्ड, बस बैठ के करते हो। चलो ना यार नाश्ता करो ना, बाद में कर लेना। तसल्ली वाला काम, तसल्ली वाला काम, ठीक है नाश्ता कर लो ना, लेट हो रहा है। Give me 5 minutes. जल्दी आओ यार। चल तुम करो फिर। ओके। फिर नाश्ता कर लेते हैं, निकलना है फिर मुझे हॉस्पिटल के लिए। अभी हम आए हैं हॉस्पिटल क्योंकि अनन्या को क्या हुआ? अनन्या आपको? मुझे दर्द हो रहा था कान में, अनन्या को रात से बहुत पेन था। मैं रो रही थी। और ये रो रही थी तो कान में बहुत पेन हो रहा था, तो उसको हॉस्पिटल में लेके आए चेकअप के लिए। और अनन्या उसका पूरा फायदा उठा रही है। क्या खा रही है अनन्या? बिंगो। अनन्या खा रही है बिंगो। एक्चुअली उसको रात को काफ़ी कान में पेन था तो हम लेके आए थे उसको रात को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया कि एक बार आके मॉर्निंग में पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, तो उसको वही अभी चेकअप के लिए लेके आए थे। अभी दिखाया उसको, भाई कान में इन्फेक्शन उसको प्रॉब्लम रहता है, कोल्ड होता है तो उसको कान में इन्फेक्शन रहता है। ये देखो मेरा न्यू वॉच, मैं कल बर्थडे में गई थी और उसमें लाइट भी चलता है। एक मिनट, क्या दिखा रहे हो? ये टाइम। अच्छा इसके वॉच में लाइट जलता है, भी लाइट देख रहे हो? वाह लाइट। खुश हो गया दिखा के? नहीं, मैंने छीन लिया आपसे गन और मार दिया अपने रूम्स। चलो अब घर जाते हैं, इसको एक बार का खाना खत्म हो जाए फिर हम घर के लिए निकलेंगे। मिलते हैं आपको घर में। जस्ट एंटर हुए हैं अभी हॉस्पिटल से, काफ़ी लेट हो गया आज हमको, 2 बजे हैं। तो लंच तो बना सकती हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि 4 बजे हमें फिर निकलना है। कहाँ पर? भूल गए आपका डांस क्लास है? डोमिनोज़। तो हम खाना ऑर्डर करने का सोच रहे हैं, डोमिनोज से ही कर लो, पास में है, जल्दी आ जाएगा। पिज़्ज़ा। तो हम पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे, आज तो पार्टी हो रही है रंगा की, है ना? पहले हम हॉस्पिटल में, रंगा ने क्या क्या खाया? और पागल, पहले चिप्स खाया, बिस्किट खाया, अब पिज्ज़ा आ रहा है। एक्चुअली अभी अनन्या का डांस का प्रोग्राम है उसका, उसकी डांस क्लास जाती है तो उनका ईयरली एक फंक्शन रखते हैं डांस का। यस, उसमें अनन्या आर्मी, एज एन आर्मी परफॉर्म कर रही है, आर्मी का सॉन्ग है। तो अभी उसी के लिए रेडी होके फिर हमको निकलना है, 4 बजे निकलना है हमको। तो अभी पिज़्ज़ा खाएंगे फिर नहा धो के फटाफट रेडी हो जाते हैं क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं हम हॉस्पिटल के लिए। कितने खाओगे अनन्या? पिज़्ज़ा। कितने खाओगे? बहुत सारे खाऊंगी। नाटक क्यों कर रहे हो तुम? ये अनन्या खा चुकी है अपने हिस्से का आधा और ये हमारा चल रहा है अभी।
हम हो गए हैं रेडी। सुभाष को आ रही है नींद। सुभाष को है सोना। और ये रही मेरी डांसर आर्मी। अरे डाक आ गया, डाक आ गया। देखो जरा कैसे लग रहे हो, जरा देखे जरा। ओहो एटीट्यूड ना अनन्या। रेडी हो डांस के लिए? कैप्टन अनन्या ध्यानी। कैप्टन अनन्या ध्यानी रेडी हो क्या? तो बात भी नहीं कर रही है। ओहो हाउ इज द जोश? अरे 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 हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? जोश ही नहीं है। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। निकल ही नहीं रही है जोश। चलो अब आपको मिलते हैं इसके डांस फंक्शन में। शाम को मैं घर से कहीं भी जाऊँ ना, मतलब जब घर पे वापस आओ तो ऐसा लगता है कि घर गृह प्रवेश के साथ एक कप चाय जरूरी है। मैं बिना चाय के कोई काम ही शुरू नहीं होता है। और अनन्या का कल है कंप्यूटर का प्रैक्टिकल्स, तो सुभाष लेके बैठे हैं, उसको सिखा रहे हैं। वो लगी हुई है, मैं बोर हो रही हूँ। बोर इतनी जल्दी हो जाती है ना। चलो तुम सिखाओ उसको, मैं तो थक गई हूँ। मैं तब तक बनाती हूँ चाय, फिर चाय पी के फिर आएगी एनर्जी, फिर देखेंगे क्या करना है। डांस प्रोग्राम था ना बच्चों का, लेकिन आजकल बच्चों को इतना एक्सपोजर मिलता है। मैं और सुभाष यही बात कर रहे थे, हमारे टाइम पे भी था डांस वगैरह था, मैं भी बहुत पार्टिसिपेट करती थी स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। लेकिन स्कूल से बाहर आके घर में ऐसा कुछ नहीं था कि भाई घर में डांस वांस हो, या फिर घर में आउट ऑफ स्कूल कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते हों जहाँ पे हम पार्टिसिपेट करें, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था हमारे टाइम पे। और आजकल मतलब स्टेज पे इतना ज़्यादा, मतलब स्टेज परफॉर्मेंसेज इतने ज़्यादा हो गए हैं, बड़ी सोसाइटीज़ में बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं उसमें स्टेज परफॉर्मेंसेज बच्चों के, डांस क्लासेस आजकल ये ऑर्गेनाइज करती है स्टेज, साल में एक बार एनुअल फंक्शन जैसा होता है वैसा, स्कूल का तो है ही एनुअल फंक्शन। तो बच्चों को आजकल इन अ गुड वे इतना एक्सपोजर मिल रहा है, एंड इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों में, इतना कॉन्फिडेंस। इतने इतने से बच्चे, तीन साल साढ़े तीन साल के बच्चे, जस्ट लुक एट देयर कॉन्फिडेंस, इतना अमेजिंग है। डांस स्टेप कुछ भी हुआ, कॉन्फिडेंस पूरा है। मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था, अच्छा था, काफ़ी बच्चों ने, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें, ऐसा वो बोल रहे थे। तो इतने बच्चों को मैनेज सब कुछ अच्छे से किया था, और थीम्स बहुत अच्छे चूज़ किए थे, जैसे पीटी, जैसे ये आपके जैसे सचिन तेंदुलकर पे था डांस, फोगट सिस्टर्स पे था डांस, और ऐसे अच्छा अच्छा काफ़ी अच्छा थीम था। अनन्या का था आर्मी वाला,
मेरे चैनल में आपको उसके वीडियो का, उसके डांस का थोड़ा सा ही क्लिपिंग दिखेगा। आपको उसका पूरा अगर वीडियो देखना है तो आपको उसके चैनल पे जाना पड़ेगा। नाम पता है ना चैनल का उसका? नहीं पता। माई रॉक स्टार डॉटर, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, आप वो फुल वीडियो उसका डांस वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे। तो रिन ने भी खूब इन्जॉय किया, सबसे ज़्यादा खुशी मिली उसको एक छोटा सा ट्रॉफी मिला उसका। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं चाय बनाती हूँ, उसको बैठ के इन्जॉय करती हूँ। आप लोग मेरा वीडियो इन्जॉय करिए, और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, उसको भी प्लीज़ फॉलो करिए। उसमें भी आपको मेरे डिफरेंट फोटोग्राफ्स वगैरह मिलेंगे जो शायद आपको यूट्यूब पर ना दिखें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गुड नाइट।